मंग हड़क संग नाचा सारा संसार। सरस्वती नदी के किनारे तपस्वी ब्राह्मण मंग कड़क रहते थे। एक दिन वो पूजा के लिए कुश लेकर आए, लेकिन कुश की नोक उनके हाथ में गड़ गई और उनके हाथों से खून बहने लगा। उसे देखकर मंग कड़क काफ़ी खुश हुए। वो हर्ष के आवेश में आकर नाचने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से संसार के सभी प्राणी उनकी नृत्य की गति में अपनी गति मिलाकर नृत्य करने लगे। पूरा संसार ही नृत्य करने लगा। जब सभी नृत्य करने लगे तो इंद्र और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई उपाय बताएं जिससे इनका नृत्य बंद हो जाए। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव से कहा कि मंग कड़क आपका परम भक्त है, आप ही मनाइए। ब्रह्मा की बात मानकर महादेव मंग कड़क के पास गए और पूछा, नृत्य क्यों कर रहे हो? मंग कड़क ने देखे बिना कहा, क्या आप देख नहीं रहे, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, इसलिए मैं हर्ष से नाच रहा हूँ। महादेव ने कहा, तुम मेरी ओर तो देखो। मंग कड़क ने सोचा, ये कौन है जो मुझे नाचने से रोक रहा है? और उसने महादेव की तरफ देखा भी नहीं। उस वक्त महादेव ने अपने अंगूठे को दबा रखा था। फिर मंग कड़क ने देखा कि उनके हाथ से श्वेत वर्ण की भस्म निकल रही थी। मंग कड़क लज्जित होकर महादेव के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना की। बोले, प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शंकर बोले, इसमें अपराध की क्या बात है? भक्त के नृत्य बंद करने पर महादेव ने वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारे साथ यहाँ सरस्वती नदी के किनारे सदैव निवास करूँगा और तुम्हारी सदैव रक्षा करूँगा और हमेशा आपको दर्शन दूँगा। धन्यवाद।